करते हुए सवाबुल फातिहा। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يعصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غضب الفتن الذي ليس بصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسوله المصدق والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين منتجبين المنتخبين الغر الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صلوات پڑھ محمد علی اللہ بزرگان محترم سامعین کرام صاحبان المفہم موالیان حیدر قرار عزاداران امام مظلوم کربلا سورہ مبارکہ دہر کی آیات مجیدہ کو بطور سرنامہ کلام بناتے ہوئے پیش کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وہ کہ جو عطا کرتے ہیں یتیم کو مسکین کو اور اسیر کو اس کے باوجود کہ خود حاجت رکھتے ہیں اور ان کا عطا کرنا اس عنوان سے نہیں ہوتا کہ بدلے میں ان سے کوئی جزا یا شکرانہ چاہیں بلکہ یہ تو اس لیے عطا کرتے ہیں کہ اپنے پروردگار عالم کو راضی کر سکیں ان آیات مجیدہ کے توسط سے ان خمسہ مجالس اعضاء میں جو تین مجالس اعضاء کے جس کے ذریعے سے میں نے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا ہے ان مجالس کا جو موضوع زیر بحث رہے گا یا جو عنوان قرار پایا وہ مقام اہل بیت بزبان خالق اہل بیت ہے کہ جس کے سلسلے کی آج یہ پہلی گفتگو ہے اور اس بات کو واضح کرتا چلوں کہ یہ لفظ اس وجہ سے استعمال کیا کہ مقام اہل بیت بزبان خالق اہل بیت میں نے یہ نہیں کہا کہ بزبان خالق خالق ان کا کہ جو اہل بیت ہیں
यानी हम जो खुदा को समझे हैं खुदा वो नहीं है, खुदा वो है कि जो अहले बैत को खल करने वाला है। हम जो समझे हैं खुदा को वो खुदा हम ही जैसा है। तवज्जो करें मेरे अज़ीज़ो, हमें जो समझ में आया है खुदा वो हमारे मुताबिक ही है। हमारा खुदा तो इतना बेचारा है कि जो कमरे के अंदर की चीज़ों को नहीं देखता, अगर देख रहा होता तो हम गुनाह में मुब्तला ना होते। तो मैंने ये जुमला इस्तेमाल किया कि बज़बान खालिक अहले बैत, तीन तरीक़ों से हम अहले बैत की फ़ज़ाइल और अहले बैत के मनाक़िब पढ़ या सुन सकते हैं। पहले मरहले में या खुदा बयान करे कि अहले बैत क्या हैं, चूँकि खालिक है, खालिक मखलूक के बारे में ज़्यादा बेहतर जानता है, या ख़ुद अहले बैत बयान करें कि हम क्या हैं, या तीसरा दर्जा जो है वो है मकाम अहले बैत बज़बान सहाबा के असहाब रसूल बयान करें। अब ये जो बज़बान सहाबा है ये इस वजह से नहीं है कि असहाब रसूल पैगंबर को, असहाब रसूल अहले बैत को समझ गए हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि ये हर उस वाक़े के चश्मदीद गवाह हैं कि जिसमें पैगंबर ने अहले बैत के मनाक़िब बयान किए हैं। ये मुराद नहीं है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के मकाम व मंजिलत को ये समझ गए हैं, नहीं, उन्हें नहीं समझे हैं, बस ये इतना जान गए हैं कि इनकी हैसियत क्या है। तवज्जो करें मेरे अज़ीज़ो, मैं बात शुरू कर रहा हूँ। अगर मिजाज आलिया पर गिरा ना गुजरे तो थोड़ा थोड़ा अगर आगे तशरीफ लें, आगे बहुत जगह खाली है, एक मजलिस का सा माहौल बन जाएगा, थोड़ा आगे आज तशरीफ लें, आ जाए बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप थोड़ा बिस्मिल्लाह, हौसला अफजाई हो जाएगी। हम भी बहुत दूर से आए हैं, मैं जानता हूँ आप भी अक्सर लोग जो हैं थके हुए होंगे, लेकिन मैं कितना थका हुआ हूँ, जो मुझे लेकर आए उनसे पूछ लीजिएगा कि मुसलसल 16-17 घंटे का सफ़र करके और बगैर नींद किए हुए मैं आया हूँ। तो अगर आप अपनी थकावट दिखाएंगे तो फिर मैं हक रखता हूँ कि अपनी थकावट का इजहार करूँ। एक जागते हुई बेदार से सलावात पढ़े मोहम्मद वाले हम, तवज्जो कीजिएगा। तो हम जो ये कह रहे हैं कि मकाम अहले बैत बज़बान सहाबा, इससे मुराद ये नहीं है कि सहाबा समझ गए हैं, नहीं, सहाबा ये जान गए हैं कि ये क्या हैं, वो ये जान गए हैं कि हमारे हक में बेहतर यही है कि हम दर अहले बैत से जुड़े रहें। और ये मैं नहीं कह रहा, जनाब सलमान फारसी सलमान मोहम्मदी से जब किसी ने पूछा ऐ सलमान तुमने ऐसा क्या किया कि जो मिन्नियत की सनद मिल गई, भाई हमने तो बहुत कुछ दिया पैगंबर को, हमने तो अपने घर की चीजें भी दे दी, हमने तो बेटी का रिश्ता भी दे दिया, हमने तो सब कुछ कर दिया, हम मिन्नियत की सनद नहीं ले पाए और तुम्हें मिन्नियत की सनद मिल गई, तुमने तो कुछ दिया भी नहीं। तो सलमान ने एक ही जवाब दिया था, ये याद रखो ना मेरी नमाजें तुमसे ज्यादा हैं, ना मेरे रोज़े तुमसे ज़्यादा हैं, ना मैंने हज तुमसे ज़्यादा किया है, जितनी इबादत तुम्हारी हैं हो सकता है उससे कम ही हो, जितनी नमाज़ें तुम्हारी हैं हो सकता है उससे कुछ कम ही हो, जितने सजदे तुमने किए हैं उससे हो सकता है कुछ कम ही हो, कहा फिर ये मर्तबा क्यों मिला है? तो सलमान ने एक ही जवाब दिया कि जब से आयत तत्हीर का नुज़ूल हुआ, जो बेदार होकर के सुनने आए हैं उनके लिए अर्ज़ कर रहा हूं, जब से आयत तत्हीर का नुज़ूल हुआ उस दिन से लेकर आज तक अपनी दाढ़ी से दरे सैयदा पर झाड़ू लगाता हूं, शायद यही वो वजह है कि खुदा ने मिन्नियत की सनद अता करा दी अपने हबीब के जरिए। जी सलामत रहे, जी सलामत रहे। कहा के ये मैं सजदों की बुनियाद पे नहीं कह रहा, मैं हज की बुनियाद पे नहीं कह रहा, ये सिर्फ और सिर्फ हो सकता है। ये सलमान के जुमले मेरे नहीं है जुमले, जनाब सलमान फारसी कहते हैं हो सकता है पैगंबर को इतना पसंद आया हो ये अमल, जब से आयत तत्हीर का नुज़ूल हुआ अपनी रीशे मुबारक से, सलमान कहते हैं मैं रोजाना दर सैयदा पे झाड़ू लगाता हूं, क्या यही वो दर है जहां से ये मर्तबा मिल रहा है? ये अहले बैत अलैहिस्सलाम का तुर्रा इम्तियाज है, ये इंसान को पहले इंसान बनाते हैं फिर मुसलमान बनाते हैं फिर सलमान बनाते हैं,
अब अगर सलमान बनना है तो दरे अहले बैत पे झुक जाओ, जो कुछ भी होगे ये तुम्हें उस कमाल पे पहुंचा देंगे जो तुम्हारा मर्तबा है। एक सलावात पढ़े मोहम्मद वाले वहां, तो हम ये नहीं कह रहे कि सहाबाए रसूल जो है असहाबे रसूल मकाम अहले बैत का इदराक कर चुके हैं, नहीं, ये तो अपने लिए सनद लेना चाहते हैं। अब भाई असहाबे रसूल के ही जुमले मिलते हैं कि लिखा के ले आओ कि हम गुलाम के बच्चे हैं। भाई हमने थोड़ी जी सलामत रहे मेरे, भाई हमने थोड़ी कहा ये तो असहाबे रसूल, हम सलाम करते हैं ऐसे असहाब को कि जो मकाम अहले बैत का इदराक रखते हैं, जो महसूस करते हैं कि हमारी आकबत बखैर है ही उस सूरत में कि हम दरे सैयदा पर झुक जाएं। क्योंकि पैगंबर के जुमले हैं, मेरा मौजू नहीं है ये, मैंने बात को आगे मरबूत करना है। पैगंबर ने कहा है जिसने इसे रुलाया उसने मुझे रुलाया, जिसने इसे खुश रखा उसने मुझे खुश रखा, और जिसने मुझे खुश किया उसने अल्लाह को खुश किया, और अल्लाह को खुश करने वाला कहां जाएगा? तो जन्नत के मुश्ताकों से एक ही हमारा जो है जवाब है कि अगर जन्नत का इतना ही इश्तियाक है तो आ जाओ, सैयदा के लाडले का मातम है, आकर अपना भी नाम लिखा लो ताकि फिर वो मकाम तुम्हें मिल जाए जिसकी तुम्हें चाहत है। गौर करें मेरे अजीजों, हमने तो दरवाजा सबके लिए खुला छोड़ा, अभी भी खुला हुआ माशाल्लाह, किसी के लिए कोई कैद थोड़ी है, या है यहां पर कोई चेकिंग होती है इस तरीके की क्या आने वाला कौन है? क्यों? क्योंकि ये किसी के बाप का घर नहीं है, ये इमाम बारगाह है। इमाम का दर भी सबके लिए खुला था, अब इसका दर भी सबके लिए खुला हुआ है। एक सलावात पढ़े मोहम्मद वाले वहां, तो मकाम अहले बैत बज़बान खालिक अहले बैत। अब देखें, आपने मुझसे पहले यहाँ पे हमारे भाई ऑन भाई जो है वो मरसिया कहानी कर रहे थे, उससे पहले सलाम पढ़ा होगा, उससे पहले एक मनकबत पढ़ी गई होगी या सोज वगैरह जो पढ़े जाते हैं, ये सारे के सारे अब मैं गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ, इंशाल्लाह महसूस होंगे आप, कहा कि ये सारी की सारी असनाफ कसीदा हैं। शायरी की पहली बुनियाद कसीदा है। कसीदा कहते हैं कस्त से, यानी किसी भी एक शख्सियत का कस्द करे इंसान और उस पर कुछ लिखना शुरू करे। ये बाकी जितनी चीजें हैं, मरसिया हुआ, सलाम हुआ, सोज हुआ, मनकबत हुई, नोहा हुआ, ये सारी के सारे असनाफ कसीदा हैं, और अहले बैत अलैहिस्सलाम ने बहुत पसंद किया है शोहरा को। किया नहीं किया? क्यों किया? इसकी क्या वजह रही? इसलिए कि ताकि उनका जिक्र करें, जैसे दुनियावी लोग चाहते हैं शोहरा को कि हमारे लिए भी कुछ लिख देगा, नहीं, इसलिए नहीं अहले बैत ने अपने से करीब किया। और ये भी मर्तबा शोहरा ही का है मेरे अजीजों, कि इमाम नीचे बैठ के सुनते हैं, इसको ऊपर बिठाते हैं, कोई कम मर्तबा नहीं है। लोगों की दाद लेने से बेहतर है इमाम की दाद ली जाए। अपने मिजाज में ये गूंधे कि आप इमाम से दाद लें, इमाम आपको दाद दे, हम क्या समझेंगे मकाम अहले बैत और क्या दाद दे देंगे उस पर। लेकिन अगर इमाम कहे कि सुभान अल्लाह क्या शेर कहा, तो लेकिन शोहरा को करीब क्यों किया अहले बैत अलैहिस्सलाम ने, क्या वजह रही है? इसलिए कि उनका कसीदा पढ़े? नहीं। देखें मेरे अजीजो, इंसान और बिलखसूस शायर, शायर के मिजाज में मुबालगा राई होती है, मिजाज में शायर के मुबालगा होता है, हर बात को लंबा खींचता है, होता नहीं होता? अब मैं मिसाल पेश कर रहा हूं आपके सामने, इसको मिसाल की हद तक रखिएगा। आप में से कभी किसी ने झील जैसी आंखें देखी हैं? होती है कहीं? कहीं किसी ने देखी हो? नहीं होती। शायर लिखता है? नहीं लिखता। लिखता ना, मुबालगा करता है ना, यानी जो है ही नहीं उसको खींचता खामा खाता। सुराई जैसी गर्दन देखी है कभी किसी ने? कहीं नहीं है। हिरनी जैसी चार, ये पता नहीं क्या क्या, ये सारा का सारा सुना है ना आपने। तो चूंकि शायर के मिजाज में मुबालगा आई है, अहले बैत अलैहिस्सलाम ने शायर को अपने से करीब इसलिए किया कि चूंकि इसके मिजाज में मुबालगा आई है, अगर ये इसके मजाजी में जाएगा तो वो कहेगा जो है नहीं। तब जो करे मेरे अजीजो,
क्या ये क्या करेगा, क्या ये उस बारे में लिखेगा जो है नहीं? इसको अपने से करीब किया और फिर कहा अब लिख। कितना मुबालगा करेगा। अल्लाह अकबर, गौर करे मेरे अजीज, जो जो बोलने के लिए आए हैं उनके लिए अर्ज कर रहा हूं, क्या अब लिख। कितना मुबालगा करेगा, कितना मकाम अहले बैत बढ़ाएगा, जितना बढ़ाएगा हमें उससे और बुलंद पाएगा। क्या इसीलिए इसको करीब किया, क्या इसके मजाजी से निकलकर इसके हकीकी में आ जाए, अब जो लिखना है लिख। अब बहुत से लोग आ जाते बेचारे कम फहम कि अली को हद से ना बढ़ाइए, अली को हद से ना बढ़ाइए। मियां पहले हद तो बताइए कि अली की हद क्या है। अल्लाह अल्लाह अकबर। नहीं नहीं नहीं, जो 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 अब तक नहीं बोला उसके लिए अर्ज कर रहा हूं, जिसे बोलना नहीं आता या बोलना नहीं चाह रहा, जिक्र हैदर, जिक्र हैदर सभी चेहरों को निशा देता है। जो बोलने के लिए आया है और जो बोलना नहीं चाह रहा, दोनों के लिए है। जिक्र हैदर सभी चेहरों को निशा देता है, नूर मोमिन को, नूर मोमिन को, मुनाफिक को धुआं देता है। जो अब तक नहीं बोला जिक्र हैदर सभी चेहरों को निशा देता है, नूर मोमिन को, मुनाफिक को धुआं देता है। अपने लब संगे दरे शाह पे मलते रहिए, ये वो पत्थर है जो गूंगे को जुबा देता है। ये जी सलामत रहे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो गौर करिएगा मेरे अजीजों, क्या अहले बैत अलैहिस्सलाम ने शौरा को अपने से करीब किया, कहा अब लिख। क्या लिखेगा, जितना भी लिखेगा, जितना भी कहेगा हमें उससे बुलंद पाएगा। तू हमारी गर्दे सफर को नहीं पा सकता, तो अब अली को हद से वो बढ़ाए जो अली की हद जाने। जिसे अली की हद ही नहीं पता वो अली को हद से क्या बढ़ा सकता है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी सलामत रहे। अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद वाले। और क्या कहा कि ये आ जाते ना कम फहम बिचारे, जिनकी अकल ही महदूद है, तो क्या कहेंगे, हद ना बढ़ाइए, हद ना बढ़ाइए। दो तरीके के लोग हैं, मैंने नहीं कहा, मौला अली ने कहा। दो तरीके के लोग हैं, दोनों जहन्नमी, एक बढ़ जाने वाला, एक रुक जाने वाला। भाई आप, मैं अल्लाह ना करे किसी को मैं बुलंदी पे खड़ा कर दूं, आपकी मिसाल नहीं था ना, मैं अमूमी मिसाल पेश कर रहा हूं। किसी आदमी को ले जाकर के कराची में, तो बहरहाल जो है सबसे बड़ी बिल्डिंग पहले हबीब प्लाजा थी, फिर उसके बाद मुस्लिम कमर्शियल हुई, अब बहरिया टावर है। यहाँ का मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पे कौन सी सबसे बड़ी बिल्डिंग है, जो भी सबसे बड़ी बिल्डिंग हो उस पर ले जाकर के खड़ा कर दे तो क्या होगा, उसको कहें नीचे झाके, क्या होता है, क्या होगा, चक्कर आएंगे ना। जब इंसान को औकात से बढ़ा दे तो क्या होता है, अब जो करें मेरे से तो जुमला जाया ना होने पाए। क्या जब इंसान को औकात से बढ़ा दे तो चक्कर आने लगते हैं, खुद भी गिरता है, जिसने चढ़ाया उसे भी लेके गिरेगा। गौर करें मेरे अजीजों, क्या अब इस चक्कर ना आने से बचने, चक्कर आने से बचने के लिए इसने क्या किया, इसने कदम पीछे हटाए, पीछे हटा बेचारा बचने के लिए। मसलन यहां से गिरने से बचने के लिए क्या करेगा, पीछे हटेगा, पीछे हटा, पीछे हटा, पीछे हटा, इतना पीछे हटा सामने से नहीं गिरा। गौर करे मेरे अजीजो, जो जुमले जुमलों की कदर करने वाले बैठे हैं मेरे अजीजो, कहा सामने से नहीं गिरा, कहां से गिर गया, पीछे से गिर गया। अली को हद से ना बढ़ाइए, शिर्क ना हो जाएगा, शिर्क हो जाएगा, शिर्क हो जाएगा, शिर्क ना हो, कदम पीछे हटा, पीछे हटा, पीछे हटा, सामने से नहीं गिरा, पीछे से गिर गया। इतना गिरा कि अब अपने जैसा कहने लगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह का सामने से तो नहीं गिरा,
दोनों दोनों बेवकूफ है ना, जो सामने से गिरे वो भी। हमने अली को अली से लिया है, किसी ऐरे गैरे नथु खैरे से नहीं लिया। अली क्या है, या ये अली खुद बताए या अली का खालिक बताए। अब समझ में आया मकाम अहले बैत बज़बान खालिक अहले बैत। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाल। इसीलिए ये लाजिम है मेरे अजीजों कि अहले बैत क्या है या ये खुद बताएं, चूंकि इन्हीं की जबान तो अल्लाह की जबान है, इन्हीं का कलाम तो अल्लाह का कलाम है। ये कुछ कहते नहीं मगर ये कि जो उसका हुक्म हो, उसका हुक्म नहीं होता मगर ये कि जो कुछ करेंगे। भाई ये कहते हैं तो हुक्म बनता है, या यूं कहिए हुक्म आता है तो ये अमल करके बताते हैं। दो ही सूरतें हैं, या कुरान बताएगा या ये बताएंगे। अब मुगालता यही से हुआ, ना कुरान समझ सके ना नहजे बलागा समझ सके, फिर या कोई अली को खुदा समझेगा या कोई अपने जैसा समझेगा। भाई यही तो मुगालता होगा, या कुरान से पूछो या अली के कलाम से समझो। अली का कलाम क्या है? तौहीद कोई इतनी सस्ती चीज नहीं है जो हम किसी मौलवी से ले लें। तवज्जो करें मेरे अजीजों, हमने तौहीद किसी मौलवी से नहीं सीखी है। इब्तिदान जो मैंने खुतबा अर्ज किया, समझना चाहते हो खुदा क्या है, अली ने बताया। अली ने नहजुल बलागा का पहला खुतबा है जिसमें बता रहा है कौन है खालिक। खालिक वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, खालिक वो है जिसके आगे अली झुक रहा है। तुम तो अपने बनाए हुए खुदा के आगे झुक रहे हो, अली हकीकी खुदा के आगे झुक रहा है। तौहीद को इतनी सस्ती चीज नहीं है कि हर किसी से ले लेंगे। हमने तौहीद अली से ली है, और अली वाला और शिर्क कर जाए, अली वाला खुदा किसी और को समझ ले, नहीं यही ये अली ही की सीरत है। अली ने कभी अपने दुश्मन पे तलवार नहीं उठाई, मगर खुदा के दुश्मन को छोड़ा भी नहीं कभी। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले वहम। अपने दुश्मन को छेड़ा नहीं कभी, खुदा के दुश्मन को छोड़ा नहीं कभी। अब यही मिजाज उसका है, उसने भी अपने दुश्मन को लिए तो फिर भी तौबा का दरवाजा खुला रखा, लेकिन जो अली का दुश्मन था, जो मोहम्मद के होते हुए किसी पे आजाब न करे, उस पर भी पत्थर का आजाब नाजिल किया, और मोहम्मद के होते हुए एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। का तू मेरे दुश्मन को नहीं छोड़ेगा, मैं तेरे दुश्मन को नहीं छोड़ूंगा, और हद है दुनिया से चला भी जाएगा तब भी नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह अकबर। क्या 1400 साल हो गए, आज भी हमें कहते हैं फजाइल बयान करते रहिए, क्या जरूरत किसी पर तबर्रा करने का, क्या हम थोड़ी कर रहे हैं। भाई लानत एक ऐसी चीज है जिसका मिज़दाक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। लानत कर दीजिए, जो अहल होगा खुद वही पहुंच जाएगी। क्या हम तो लानत भेजते हैं, जहां तीर लगना होता है वहां लग जाता है, या तुम बता देते हो या वो खुद बता देता है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। जी सलामत। बेशुमार एक जागते हुए सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद। तो हमने तौहीद किसी ऐरे गैरे नथु खैरे से नहीं ली है। हम तो उसके आगे सर झुकाएंगे जिसके आगे अली सर झुकाएगा। हम उसके आगे नहीं झुकेंगे जिसके आगे मौलवी झुकाएगा। मौलवी क्या किसी को खुदा समझाएगा जो खुद अपने आप को ना समझ सका हो।
मैं उम्मीद बात कर रहा हूं मेरे अजीजों, जाकर देख लीजिए जहां नहीं है विलाय अली वहां दुआ मांगने का ढंग नहीं आता। नहीं पता नहीं जुमला पहुंचा नहीं पहुंचा। कब्र के कीड़ों से बचा ले, इससे बचा ले, उससे बचा ले, भाई अली का दामन थाम लो सबसे बच जाओगे। नहीं जुमला नहीं पहुंचा मेरे अजीजों। हाँ हमसे कहा जाता है क्या ये ना करिए वो ना करिए, ये ना हो जाएगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा फलाना हो जाएगा दिमागा हो जाएगा। क्या अगर अहले बैत को थाम लिया होता तो चप्पल से आगे बढ़ जाते। तुमने आल को छोड़ दिया, नालायन संभाल ली है, अब नालायन में रहना। हमने नालायन रसूल से तौहीद नहीं ली है, हमने मिसले पैगंबर से तौहीद ली है। अली मिसले पैगंबर है, गौर करें। हमने अली का दामन, तवज्जो करें मेरे अजीजों, जुमला अर्ज कर रहा हूं, हमने अली का दामन इसलिए थामा है कि ताकि हमसे पैगंबर का दामन न छूट जाए। अली ही का दामन पैगंबर का दामन है। अली ही का दामन पैगंबर का दामन है। ये मैंने नहीं कहा था, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, मगर बहुत सो ने सुना भी और सुन के अनसुना भी कर दिया, बहुत सो ने देखा भी मगर देख कर अनदेखा कर दिया। तो मकाम अहले बैत बज़बाने खालिक अहले बैत। अब जो मैंने आपके सामने अर्ज किया कि शोरा को अपने से करीब किया इसलिए ताकि ये इश्क मजाजी से निकले, ये आंखों से बाहर आए, ये गर्दन से बाहर आए, ये चाल से बाहर आए। कहा वो यहां पर लिखना चाहते हो, लिखो। क्या लिखोगे, कितना बढ़ाओगे, कितना बढ़ाओगे? अब हम बताते हैं, सुनो मेरे मौला ने कहा, सुनो हमें दायरे रुबूबियत से बाहर रखो, फिर जो समझ में आता है कहो, कोई कैद नहीं है। क्या बस हमें दायरे रुबूबियत से बाहर रखना, फिर जो समझ में आता है कहो, हमारी गर्दे सफर को न पा सकोगे। क्या जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाते रहो, हम उससे बुलंद ही होंगे। बहरे दानिश के शनावर ही को दूर कहते हैं। मैं बुजुर्गों के लिए अर्ज कर रहा हूं, इनसे दाद नहीं शाबाश लेने के लिए। बहरे दानिश के शनावर ही को दूर कहते हैं, अदब हिंद में इस लफ्ज को गुर कहते हैं। अल्लाह अकबर। बहरे दानिश के शनावर ही को दूर कहते हैं, अदब हिंद में इस लफ्ज को गुर कहते हैं। फिक्र की आखिरी मंजिल से भी बाला है अली, फिक्र की आखिरी मंजिल से भी बाला है अली। फिक्र की आखिरी मंजिल को तो हुर कहते हैं, अभी हुर समझ में आया नहीं है, अली को समझने के लिए चले। फिक्र की आखिरी मंजिल से भी बाला है अली, फिक्र की आखिरी मंजिल को तो हुर कहते हैं। हुर समझ में आ गया, क्या हुर ना समझ सके? चले हैं अली को समझने। और फिर जब ये छोटी सी समझदानी के साथ जाएंगे तो क्या होगा, या हैजा हो जाएगा या फिर कुछ और होगा, ये होगा ना, या दिमाग की नस फट जाएगी, पागल हो जाएगा बेचारा। अली को समझने, मजहरे सिफाते इलाहिया, अली इब्ने अबी तालिब है कि नहीं, मजहरे सिफाते इलाहिया, जो कुछ कमालात पैगंबर हैं उन सब का इजहार अली इब्ने अबी तालिब से है, सब का। और फकत अली इब्ने अबी तालिब नहीं, अली का हर बेटा, अल्लाह अकबर, अली का हर बेटा अली है, नहीं अली का हर बेटा मोहम्मद है। क्योंकि कहीं ये नहीं हदीस मिलती, अव्वलुना अलीयुन औसतुना अलीयुन, ना अव्वलुना मोहम्मद औसतुना मोहम्मद आखिरुना मोहम्मद कुल्लुना मोहम्मद। कायनात इसी मीम है, मीम दाल के गिर चक्कर काट रही है, इब्तिदा भी यही थी, औसत भी यही है, इंतहा भी इसी पर है। अली का हर बेटा मोहम्मद, चाहे वो अव्वल हो
चाहे औसत हो चाहे आखिर हो, एक सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहा बहरे दानिश के शनावर ही को दुर कहते हैं, अदब हिंद में इस लफ्ज को गुर कहते हैं, फिक्र की आखिरी मंजिल से भी बाला है अली। अव्वल तो फिक्र इस्तेमाल ही कितनी की है तुमने, है कि नहीं है? जो कहीं ना चल सके वो अली को समझने चले हैं, अजीब है कि नहीं है? उसको समझने चले हैं जिसके होते हुए बड़े बड़े असहाबे रसूल ना समझ सके हों, जो सामने था, जब सामने था तब नहीं समझ सके। एक दिन आए जनाबे सलमान मोहम्मदी, सलमान फारसी नहीं कहा है, पैगंबर ने कहा है ना मिन्ना अहल अलबैत, मेरे अलबैत में। तो ये उलमा कहते हैं सलमान फारसी ना कहा करो, सलमान मोहम्मदी कहा करो, मोहम्मदी, सलमान मोहम्मदी। आए और आकर के कहने लगे या अली काफी दिन हो गए, कुछ तो दिखाइए। अल्लाह अकबर, होता है? और अली ही से ये कहा जा सकता है, क्योंकि कोई हो तो दिखाने वाला। क्या या अली काफी दिन हो गए, कुछ दिखाइए तो सही। अच्छा सलमान, देखना चाहते हो? आंखें बंद करो, हम तो आंखें खोल के देखते हैं। क्या अली के कमालात आंखें बंद करके भी दिखाई देते हैं? आंखें बंद करो, आंखें बंद कर दी। साथ साथ जा रहे थे दोनों, अली आगे हैं सलमान पीछे हैं। क्या सलमान आंखें बंद करो और चलते रहो पीछे पीछे। थोड़ी दूर चले, इमाम ने कहा आंखें खोलो सलमान। आंखें खोली तो अब सलमान कहते हैं अब जो मैंने आंखें खोली तो एक लको दक सहरा, पता नहीं कहां है, अभी मदीना में थे अब पता नहीं कहां है, ऐसा सहरा बस चला ही जा रहा है और मैं पीछे पीछे चल रहा हूं। क्या डर भी लग रहा है, लेकिन क्या कहूं, खुद ही तो कहा था, मैं खुद ही तो कहा था कि कुछ दिखाइए तो देखो, अब देखना चाहते हो ना, देखो। सलमान कहते हैं मैं चलता रहा पीछे पीछे। अब मैं चल रहा था, दाएं जानिब देख रहा हूं, बाएं जानिब देख रहा हूं, कुछ नहीं, ना गिजा, ना अबदा, ना पानी, कुछ भी नहीं, कोई खैमा कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पहाड़ है बंजर बिल्कुल, और सहरा की मानिंद टीले के टीले नजर आ रहे, और चले जा रहा हूं। इसी असना में मैंने आसमान की तरफ देखा, कि जैसे मैंने आसमान पे देखा तो अजीब किस्म के परिंदे, यानी इंसान के वजूद से भी ज्यादा बड़े बड़े परिंदे और उड़ रहे हैं। अब मैंने उनको देखा, कभी मैं उनको देखता हूं, कभी उस सहरा को देखता हूं, और ये सोच रहा हूं, कुछ बोल नहीं रहा, खामोश चले जा रहा हूं, क्योंकि मैंने ही तो कहा था दिखाइए, अब अली दिखा रहे हैं, देखो। क्या मैं पीछे पीछे चलता रहा, काफी दूर चलने के बाद मेरे मौला ने कहा सलमान क्या सोच रहे हो, सलमान क्या सोच रहे हो? क्या मौला जब आपको पता है कि सोच रहा हूं तो क्या सोच रहा हूं ये भी आपको मालूम है? कहा तो पूछ क्यों नहीं लेते? क्या किससे? कहा इन्हीं से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या किन से पूछूं? कहा इन्हीं से जिनके बारे में सोच रहा हूं। सलमान ये सोच रहे थे कि ये काफी दूर तक मैं चलता हुआ आ रहा हूं, कोई आबो दाना नहीं है, ये इतने बड़े झुंड के झुंड है परिंदों के, ये आखिर जिंदा कैसे हैं? ये आखिर जिंदा कैसे हैं? क्या है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? परेशान। कहा तो सलमान ने जहन में जैसे ख्याल आया तो मौला ने कहा तुम इन्हीं से पूछ लो। कहा मौला इनसे कैसे पूछूं? कहा इन्हें बुलाओ, अली नहीं बुला रहे। देखा आपने, इसीलिए है अली फखरे सुलेमान। सुलेमान खुद कलाम करते थे परिंदों से, अपने चाहने वालों से कलाम नहीं करवाया है, ये अली फखरे सुलेमान है। क्या है सलमान पूछो, क्या कैसे पूछो? क्या बुलाओ इन्हें। क्या मौला कैसे बुलाऊं? क्या हाथ का इशारा करो। सलमान ने हाथ से यूं किया, उन परिंदों में से एक परिंदा नीचे उतर कर आया, आते के साथ ही सलमान कहते हैं जो भी जबान थी मेरे समझ में आ गई, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन।
एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, सलाम किया मौला मीर को, वालेकुम सलाम। का मौला हुकुम खैरियत, क्यों बुलाया? का सलमान कुछ पूछना चाहते हैं। सलमान तुम पर हमारा सलाम। सलमान ने भी जवाब सलाम दिया। का क्या सवाल है पूछो? का मैं काफी दूर से चलता हुआ आ रहा हूं, मैंने कहीं कोई चश्मा, कहीं कोई नहर, कहीं कोई दरिया, कहीं कोई खेत खलियान नहीं देखे। आखिर तुम लोग जिंदा कैसे हो? न खाने को कुछ है, न पीने को कुछ है, आखिर जिंदा कैसे हो? उस परिंदे ने मौला अमीर की तरफ देखा, कहा मौला इजाजत हो तो जवाब दूं। कहा जवाब दो। कहे सलमान सुनो, जब हमें भूख लगती है, और जो करे मेरे अजीज हो, अब महसूस कीजिएगा क्यों ये दोनों चीजें हमारे यहां हैं। क्या जब हमें भूख लगती है तो हम अहले बैत अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ते हैं, तो इसके बाद हमें भूख का एहसास खत्म हो जाता है, हमारा पेट भर जाता है। क्या और जब प्यास लगती है? क्या जब प्यास लगती है उनके दुश्मनों पर लानत कर देते हैं। क्या ना भूख का एहसास रहता है, ना प्यास की शिद्दत रहती है। बस मेरे अजीज दो, जो जानवर जिक्र अहले बैत करके उनके दुश्मनों पर लानत करके अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं, तो क्या रमजान के 30 रोजे हम ऐसे नहीं गुजार सकते? एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं नहीं कह रहा, ये तो मौला कह रहे। एक और जागते हुए सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। है कि नहीं? वो जान जब भूख लगे, जब शिद्दत भूख का एहसास हो तो दुरूद पढ़ लीजिएगा, और जब प्यास लगने लगे तो उनके दुश्मनों पर लानत कर दीजिएगा। ना प्यास लगेगी ना भूख लगेगी। या ये कहिए ये वाक्य झूठा है? कोई है ऐसा जो कहे कि नहीं मौलाना झूठ बोला आपने, ये ऐसा हो नहीं सकता? है कोई ऐसा? एक जागते हुए सलावत पढ़े फिर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो फिर ये नुस्खा याद रखिएगा, बस आज आज की मजलिस का ये एक जुमला जो है ये बिल्कुल जहन में बांध लीजिएगा कि आगे आने वाला रमजान हमने किस तरीके से गुजारना है। एक जागते हुए सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो बस मैं रह देता हूं, यह है अली इब्न अबी तालिब का। तुम क्या समझोगे जिसका जिक्र ये कुव्वत अता कर दे, उसकी जात से कुर्बत कितना कुव्वत अता करेगी? जिसका जिक्र नहीं, जिसके दुश्मनों पे लानत का ही असर हो, खुद उससे मोहब्बत का कितना असर होगा? ये तो मरने नहीं देते, ये तो दुश्मन को नहीं मरने देते, तो तुम्हें क्या मरने देंगे? देख लीजिए, मर गया दुश्मन इनका, कहा वो तो मारना चाह रहे हैं, हम नहीं मरने दे रहे। हर साल याद दिला देते हैं कौन कातिल था कौन मक्तूल था। तो जिक्र हैदर का तो ये असर है, क्या ये तो अपने दुश्मन को नहीं मरने दे रहे, तो अपने चाहने वाले को कैसे मरने देंगे? मरने देंगे? खत्म होने देंगे? मिटने देंगे? नहीं, तुम मिटने के लिए बने ही नहीं थे। अगर मिटने के लिए तुम बने होते तो तुम्हें दरे सैयदा पर बुलाया ना जाता। या आप अपनी मर्जी से नहीं आए, ये ना समझिएगा कि खुशफहमी के हम खुद से आ गए मजलिस में। ये खून की तहारत है जो यहां ले आती है, ये माँ की तरबियत है जो यहां ले आती है। और ये मैं नहीं कह रहा, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इमाम फरमाते हैं, जब कभी अपने दिल में, अब मैं बात को यहां रोक रहा हूं, कल इंशाल्लाह यहीं से मरबूत करूंगा, जब कभी अपने दिल में हमारी मोहब्बत की ठंडक को महसूस करो, अपनी मां के कदमों का बोसा दो। जब कभी अपने दिल में हमारी मोहब्बत की ठंडक को महसूस करो, क्या करो? अपनी मां के कदमों का बोसा दो कि शुक्र है कि उसने खयानत नहीं की थी।
वगरना हर किसी के रुमाल की हैसियत नहीं है कि फातिमा के, हर किसी के आंसू की हैसियत नहीं है कि फातिमा के रुमाल में जगह पा ले। आप खुशकिस्मत हैं कि आज फातिमा के बेटों का पुरसा देने के लिए आए हैं, उसके लुटे हुए कुनबे का पुरसा देने के लिए आए हैं। आप असीराने कूफा और शाम का मातम करने आए हैं ना। कौन है ये असीराने कूफा और शाम? ये वो बेटी है फातिमा की कि जब फातिमा इस दुनिया से जा रही थी। अब मैंने पढ़ना कुछ और था लेकिन बात आ गई है, दरमियान में तो अर्ज कर रहा हूं। आपने फजाइल सुने, बहुत अच्छे सुने, लेकिन जो रोने के लिए आए हैं उनके लिए अर्ज कर रहा हूं। आपको मालूम है इस मजलिस में आपके अलावा और कौन कौन आया है? वहां आखिरी कोने में या यहां आखिरी कोने में सैयद सज्जाद होंगे। अगर मस्तूरात हैं तो वहां पर फातिमा भी होंगी, और जब फातिमा होंगी तो जन्नत की खवातीन भी आएंगी, क्योंकि जन्नत तो फातिमा के होते हुए जन्नत है। जब फातिमा ही जन्नत में ना रहे तो ऐसी जन्नत किस काम की? और उस फातिमा के साथ उसकी बेटी ज़ैनब भी है, उम्मे कुलसूम भी है, और एक बीबी और है कि जिसके मसाइब मुझे पढ़ने हैं। एक बीबी और है, वो कौन है? वो हुसैन की 4 साला यतीमा सकीना, रुकैया बिंतुल हुसैन। ये वो बच्ची है कि जहां हुसैन का तज़किरा होता है ये बीबी आती है। और आपको पता है आकर क्या कहती है? अपनी फूफी से पूछती है, ऐ फूफी अम्मा, ये कौन लोग हैं? अपना मर्तबा तो देखिए, अपनी हैसियत तो जानिए, क्या मकाम है आपका और हमारा। फातिमा की पोती पूछती है, ऐ फूफी अम्मा, ये कौन लोग हैं? ज़ैनब जवाब देती है, ऐ बेटी, ये तेरे बाबा के चाहने वाले। बस ये जुमला पढ़ रहा हूं, अगर कोई बात नागवार गुजरे तो मुझे माफ कीजिएगा। अब सुनेंगे फातिमा की पोती क्या कहती है, ऐ अम्मा, काश के ये चाहने वाले कर्बला में होते, मेरा बाबा प्यासा ज़िबहाला होता। आपको याद किया है ना हुसैन इब्ने अली ने, आपको याद किया है फातिमा की पोती ने, आपको याद किया है हुसैन की बेटी ने, ऐ फूफी अम्मा, अगर ये चाहने वाले कर्बला में होते, मेरा नन्ना अली असगर ज़िबहाला होता। ऐ फूफी अम्मा, अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, सीनों पे हाथ मारिएगा। ऐ फूफी अम्मा, अगर ये चाहने वाले कर्बला में होते, मेरा बाबा अकेला अली अकबर का लाशाला उठाता। ऐ फूफी अम्मा, अगर ये जाने वाले कर्बला में होते, मेरा बाबा कासिम के लाश के टुकड़ों को ना चुन रहा होता। ऐ फूफी अम्मा, अगर ये जाने वाले कर्बला में होते, मेरे चचा अब्बास के बाजू कटा ना होते। आखिरी जुमला मेरे अजीजों, ऐ फूफी अम्मा, अगर ये कर्बला में होते, मेरे भैया सज्जाद की पुश्त पे ताज़ियाने न लगते। अरे राहे कूफा ओ शाम में लोग सदके की खजूरे न फेंकते। हाजी दो, अरे कर्बला से निकल चुला काफला, रिवायत के जुमले हैं, राहे कूफा ओ शाम है। अजीब रिवायत है मेरे अजीजो, रावी कहता है कि हुसैन का सर, अरे खूली के नेजे पे चढ़ा हुआ था,
सूली लेकर के जा रहा है सरे मुबारक हुसैन के यकायक सर जमीन से उतरा। अरे वो नेजा जमीन में गड़ गया। खूनी ने बहुत चाहा कि नेजे को जमीन से निकाले। शिमर आगे बढ़ा, क्या क्या हुआ, जल्दी क्यों नहीं करते, हमें दरबारे शाम पहुंचना है। खूनी हाथ जोड़ के कहता है, मैंने बहुत कोशिश की मगर ये नेजा जमीन से नहीं निकल रहा। क्या सैयद सज्जाद को बुलाओ। सज्जाद को चलते ऊंट से जमीन पे गिराया। रिवायत के जुमले है, अरे सज्जाद की पुश्त पर ताजियानों की बरसात। क्या बताओ कि तुम्हारे बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ता। अरे सैयद सज्जाद ने भीगी आंखों के साथ बाबा की नजरों से नजरें मिला। ऐ बाबा, अरे बेटे की पुश्त में इतनी सख्त नहीं है कि शिमर के ताजियाने बर्दाश्त करे। खुदा किसी गम में न रुलाए। अजरकुम ज़हरा, खुदा आपके आंसुओं को कबूल फरमाए। ऐ सैयद सज्जाद बताओ कि सर आगे क्यों नहीं बढ़ता। सैयद सज्जाद ने घबरा कर देखना शुरू किया, कभी दाएं जानिब देखते हैं कभी बाएं जानिब देखते हैं। शिमर ने कहा, क्या हुआ। कहा, मेरी बहन सकीना राह शाम में कहीं गिर गई है। जब तक सकीना ना आ जाए ये सर आगे नहीं बढ़ेगा। बस मेरा अजीजो, ये सुनना था। अरे उस ज़ैनब ने जब ये जुमले सुने कि जिसके पास अमानत थी सकीना, ज़ैनब ने अपने आप को ऊंट से जमीन पर गिराया। सकीना, सकीना की सदाए बलद की यकयक देखा कि एक ज़ईफ़ा है जो बच्ची का सर लिए उसे सुला रही है। ज़ैनब समझ गई ये सकीना है, आगे बढ़ी जाकर के कहा, सकीना जागो, बेटा काफला बहुत आगे बढ़ गया। बीबी ने सकीना को गोद में लिया, अब लेकर के जाने लगी थी। मेरे अजीजो, जो फातिमा को पुरसा देने के लिए आए हैं उनके लिए अर्ज कर रहा हूं, बहुत गिरिया करेंगे। क्या रिवायत के जुमले है, ज़ैनब आगे बढ़ी फिर वापस पलटी और पलट करके आई, ऐ ज़ईफ़ा मुझे माफ कर देना, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, लेकिन ये याद रख मेरी माँ फातिमा ज़हरा रोज़े महशर तेरी शफ़ात कराऊंगी। अरे फातिमा के ज़ब्त के बल टूटे, नकाब उल्टा, ऐ ज़ैना, अरे माँ को न पहचाना, आंसुओं की छड़ी रवा हुई, अम्मा मेरा भैया मारा गया, अम्मा मेरा अकबर। وَسَيَعْلَمُ الَّذِي ظَلَمُ أَيَّامٌ قَلْبٌ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ। بار الٰہ ہمارے اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، اعلی علیین میں محشور فرما، قبروں کو نور آل محمد سے منور فرما، شفاعت مولا امام حسین نصیب فرما، ہم سب کو سیرت معصومین پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عنایت فرما، ملت تشیع ملت اسلامیہ جہاں کئی آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام دشمنان تشیع جہاں کئی موجود ہیں ان کو ان کے عزائم کے ساتھ نیست و نابود فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، علماء سو کو نیست و نابود فرما، حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے عوان انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص، اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص سید شاکر عباس نقوی والسید علی امیر نقوی، سیدہ آلیہ زیدی بنت سید حیدر علی، سیدہ فردوس فاطمہ بنت سید شاکر عباس نقوی، ثواب الفاتحہ۔